आप देख रहे हैं नोदे टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कल एक सिख छात्र जो गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है, उसकी पगड़ी जो है कुछ लड़कों ने जो है वो उतरी है और उसको लेकर FIR भी दर्ज हो गई है। लेकिन आज शिरोमणि अकाली दल का एक वफद जो है वो प्रिंसिपल से मिलने आया था, लेकिन सरना जी क्या मुलाकात हो पाई आपकी प्रिंसिपल से? देखो जी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फैसला तो हमने रात को किया था, काफ़ी लेट, तो हमने भी सरदार मनजीत सिंह को सुबह का रिक्वेस्ट की भी आप भी आना है, पर ये बात कहीं ना कहीं लीक हो गई और प्रिंसिपल साहब कहते हैं मैं चंडीगढ़ चला गया हूँ। हमने बोला कि आप जहाँ भी हैं अपनी लोकेशन भेज दो ताकि हमें तसल्ली हो कि आप जाओ। पहले उनके जो PA वगैरह तो कह रहे थे उनकी तरीक है आज, मैं कहा कोई बात नहीं, तरीक कौन सी है, घंटा बैठे हैं, दो घंटे बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सारा कुछ प्रिंसिपल की मर्जी से हुआ, उसने अपने अकाउंट को खुश करने के लिए, ABP को खुश करने के लिए, RSS को खुश करने के लिए, BJP को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी बदौलत ये प्रिंसिपल बना है। वरना एक आदमी जो बतौर प्रिंसिपल एक कॉलेज में काम कर रहा है उसको दूसरा आदमी देखो कौन है। पर ये सारी प्लानिंग, क्योंकि ये उनका नामनी था गुरु नानक खालसा कॉलेज में भी और यहाँ भी, हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सरकार कब्जे कर रही है, कोई किसी के जरिए, कोई किसी के जरिए, जिसकी बदौलत आज सिखों के बच्चों की पगड़ियाँ उतारी गई, मारा गया, कूटा गया, इनडिसिप्लिन हुआ। हम इनकी इंक्वायरी CBI से कराना चाहते हैं और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो प्रिंसिपल का सस्पेंशन चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो हमारी जो हमने रिक्वेस्ट किया उसको मानेंगे और इंक्वायरी होने के बाद, सबसे बड़ी बात है प्रिंसिपल ने आउटसाइडर्स को कैसे अलाउ किया कॉलेज में आने का। जब हम पढ़ते थे हमारे यहाँ भी इलेक्शन होती थी आज से 60 साल पहले, प्रिंसिपल बिल्कुल किसी आउटसाइडर का अलाउ नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं? क्यों, ये उनके नुमाइंदे हैं, जैसे हजूर साहब, पटना साहब, दिल्ली कमेटी, हरियाणा कमेटी सरकार के कब्जे में हैं, ये अब कॉलेज भी कब्जे होने शुरू हो गए हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात मैं आपके ज़रिए बोल देना चाहता हूँ, BJP अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, ये जो बैठे हुए हैं ना जिनको अकल नहीं है एक दहले की और लीडर बने फिरते हैं, मैं बात पूरी करने दो, ये BJP की लुटिया डुबो रहे हैं, ये तो लालच है मेरी घरवाली को मिल जाए, मेरे भतीजे को मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए, इनको टिकटें नहीं मिलनी। लेकिन सरना साहब, जिस तरीके से लड़के की पगड़ी उतरी है, क्या सम्मान मिलेगा इस लड़के को? जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम प्रिंसिपल की कुर्सी में ये बैठेगा। के साहब अगर बात करें, FIR दर्ज हो गई है, क्या लगती है कि ये बनती कार्रवाई, क्योंकि एक नाम जो है FIR में दर्ज किया हुआ है और कई नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, लगता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, अगर पुलिस की नीयत ठीक है और कॉलेज के मैनेजमेंट की नीयत ठीक है, चेयरमैन की, मैनेजिंग कमेटी की और DSGMC की, खालसा कॉलेज में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे कॉलेज और पगड़ी, यहाँ पे दस्तार की भेद भी हो जाए, लड़कों को पीटा जाए, बच्ची को थप्पड़ मारे जाए, CCTV कैमरे लगे हैं, क्या देर लगती है पकड़ने की? कैसे अलाउ कर दिया आपने बाहर के बंदों को इस कॉलेज में घुसने के लिए? मैं समझता हूँ कि ये टोटल साजिश के अधीन हुआ है, ये सारा प्रोसेस कैंसिल होकर नए सिरे से नॉमिनेशन होनी चाहिए, कॉलेज के बच्चों को खुली छूट होनी चाहिए, बेखौफ होके वो अपने नॉमिनेशन भरे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया उससे आप कितना सहमत हैं? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के बयान को छोड़ दो, हम सियासत करने नहीं आए। वैसे जो राहुल गांधी ने कहा हम तो रोज देख रहे हैं, कभी उड़ीसा में देख रहे हैं, कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी कहीं देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सुनिश्चित करेगा जब उसकी सरकार आएगी ये कुछ नहीं होगा। उसको छोड़िए, खालसा कॉलेज में क्या हुआ, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सकत्तर क्या कर रहे हैं, यहाँ का चेयरमैन क्या कर रहा है, यहाँ का प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा सवाल या निशान। क्या कार्रवाई चाहते हैं अगर आप बात? हम कार्रवाई चाहते हैं कि जो दोषी हैं अंदर जाने चाहिए, बनती धारा लगनी चाहिए और ये प्रोसेस कैंसिल होके दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल, ये थे मनजीत सिंह जी की जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नोदे टाइम्स पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।